साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स लगाए गए हैं, जिसके बायस उनके प्लेटलेट्स में इजाफा हुआ है, जो अब तक 16,000 तक पहुंच चुके हैं। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत की क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वक्कास से। जाबिर, आपके पास अपडेट्स क्या हैं, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टर याद की ज्यादा में जो 6 रुकनी टीम है, उन्होंने मुआयना किया है और एक मेगा यूनिट जो लगाया गया है, उसके बाद प्लेटलेट्स की जो तादाद है वो 16,000 तक पहुंच चुकी है और इसे अब जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जो इसकी तबीयत है, नौशी साहब की जो तबीयत है, वो डॉक्टरों के मुताबिक जो खतरे से बाहर है। तो हम इस हवाले से 24 घंटे बाद CBC जो रिपोर्ट आएगी उसमें वाजह तौर पर हमें पता चल सकेगा कि जो प्लेटलेट्स हैं वो कितनी तादाद में 24 घंटे के बाद मौजूद हैं और उसमें खुद उनके खून में ये अफादियत पैदा हो चुकी है कि वो खुद भी प्लेटलेट्स जो है वो पैदा कर सके, वरना फिर एक और मेगा यूनिट जो है वो इंड्यूस किया जाएगा। तमाम अभी जो मेगा यूनिट लगाए गए हैं उसके बाद जो है प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है और 24 घंटे के बाद जो है CBC टेस्ट किया जाएगा। 24 घंटे के बाद CBC टेस्ट किया जाएगा, हर घंटे के बाद चेकअप किया जा रहा है। जाबिर वक्कास, बहुत शुक्रिया।